का जो अध्याय है वो 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन जैसे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसको सारणीबद्ध रूप में लिखना, आंकड़ों को संग्रह करके आकलन करना, प्रस्तुत करना, ये आंकड़ों का प्रबंधन में आता है। और इसका जो आज 3.1 में है वो क्या है, जैसे एक है इसके अंदर सवाल नंबर है हमारा कि कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप से इकट्ठा कीजिए, संगठित कीजिए। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6,
तो इसको हमें सारणीबद्ध रूप से संगठित करना है। तो पहले तो अंक कहां से शुरू है, इसे एक से लेकर नाइन तक है। तो हम इसे लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है। उसके बाद निके अंक जो दे रखे हैं इसको लिखेंगे अंक एक, अंक कितनी बार आया हुआ है इसमें, ठीक है, कितनी बार आया हुआ है एक अंक, देखो इसमें अंदर से जैसे एक अंक है वो एक ही बार आया हुआ है, ठीक है, कितनी बार आया हुआ है एक अंक, कितनी बार आया हुआ है एक ही बार आया हुआ है। एक अंक एक ही बार आया ना, और फिर दो अंक कितनी बार आए हैं, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी बार-बार का कितनी बार आया, ये बार बार बोलते हैं कितनी बार आया एक बार, दो कितनी बार आया हुआ है दो गुना दो एक और दो, दो बार ही आया। फिर तीन, तीन कितनी बार आया हुआ है इसको गिनते हैं, जैसे एक एक ही बार आया हुआ है तीन, फिर चार एक दो और तीन, तीन बार आया है, चार पांच कितनी बार आया है एक दो तीन चार पांच, पांच बार, फिर छह एक दो तीन चार, चार आ गया। इसके बाद चार और छह एक दो तीन चार, चार आ गए, और सात एक दो, दो बार गए, और आठ एक बार है इसमें, और नौ एक एक बार ही नौ। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इसका मिलान चिन्ह, इसे मिलान चिन्ह कैसे, एक एक बार दो है और एक और दो,
एक एक तीन, और पांच, जो पांच आप खींचेंगे कितनी बार करेंगे, पांच चार लाइन खींचकर, एक दो तीन चार, ये पांच बार, चार एक दो तीन चार, चार एक दो तीन चार, दो एक दो, एक एक एक, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर ध्यान दें, जैसे पांच अपने खींचा, एक दो तीन चार, ये पांच, अगर सात बार खींचना है तो एक दो तीन चार, चार हो गए और पांच और दो हो गए इसका, आठ बार करना है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो जाएगा, और आठ था एक दो तीन पांच और तीन आठ, ऐसे खींचते हैं मिलान चिन्ह का, तो ये हमने ध्यान से देखने हैं मिलान चिन्ह। तो ये था हमारा इसके अंदर आंकड़ों का, तो इसके अंदर हमने बताने थे इनको सारणीबद्ध तरीके से लिखने हैं, फिर इनका ये खींच के बताना है। इसके बाद था ये सबसे, जैसे इसमें पूछ रखा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कितना है, कितने नाइन, नौ है, और सबसे छोटा अंक कितना, एक। फिर हमने इसका प्रेशर रेंज बतानी है, रेंज प्रेशर, प्रेशर क्या होती है, सबसे बड़े में से सबसे बड़ा नौ और सबसे छोटा एक, इनका अंतर प्रेशर होता है आठ, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनका अंतर रेंज, इनका माध्य भी निकालना है, माध्य कैसे निकालेंगे, सारे का जोड़ बटे में आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, हम इस सारे का जोड़ करेंगे कितने हैं, इनको हम गिन लेंगे पहले तो, कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये बीस है, सात बार एक बार जोड़ करेंगे, जैसे चार छह दस सत्रह, सत्रह और पांच बाईस, बाईस और तीन पच्चीस, पच्चीस और पांच तीस, तीस और छह चौंतीस, चौंतीस और पांच उनतालीस, उनतालीस और दो इकतालीस, इकतालीस और सात सैंतालीस, सैंतालीस दो उनचास, उनचास उनचास और पांच चौवन पचपन, पचपन और नौ चौसठ, चौसठ और छह सत्तर, सत्तर और पांच पचहत्तर, पचहत्तर और आठ है तिरासी, तिरासी और छह सतासी और तेरह, ये तिरासी और तेरह, ये लगभग ये होने का छह छियानवे, और बटे में इनके कितने थे बीस, से भाग कर देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इनका प्रतिशत, ये आ जाएगा हमारा माध्य, मतलब आंकड़ों का योग, सारे का जोड़ करेंगे, जोड़ को थोड़ा ध्यान से कर लेना, चार बच्चे गिन के और इसको बीस से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माध्य। परिसर क्या होता है, सबसे जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा उनका अंतर, ठीक है, उसको हमारा परिसर होता है। इसके बाद है इनका माध्य निकालना पूर्ण संख्याओं का, जैसे संख्या हो जीरो एक दो तीन चार पांच, सारों का जोड़ करके पांच से भाग कर देंगे, इनका आठ पारियां खेली गई हैं, इनका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है, ठीक है, माध्य स्कोर आठ क्रिकेट की पांच पारियों का खिलाड़ियों का रन बनाए गए हैं, अट्ठावन छिहत्तर चालीस पैंतीस रन बनाए गए हैं, एक क्रिकेट में आठ पारियों में रन बनाए गए हैं, अट्ठावन छिहत्तर अट्ठावन छिहत्तर चालीस पैंतीस 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 छियालीस पचास जीरो और सौ, ये रहना है कितनी पारियां हैं, आठ पारी, आठ बारे में इनका माध्य निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, सारे का जोड़ कर लेंगे, जैसे अठावन इन सारे का जोड़ कर लेंगे, अठावन प्लस में छिहत्तर प्लस में चालीस प्लस में पैंतीस प्लस में चालीस प्लस में पचास प्लस में सौ,
क्या रहेगा जोड़, जोड़ कर देंगे छह पांच ग्यारह, ग्यारह और छह सत्रह, सत्रह और आठ पच्चीस, पांच दो और फिर पांच और चार नौ, नौ और तीन बारह, बारह और बारह और चार सोलह, सोलह सोलह और सात, सोलह सात तेईस, तेईस तेईस और पांच अट्ठाईस, अट्ठाईस अट्ठाईस और दो तीस, तीन दो रे तीन था, तीन रे चार, चार सौ पांच, चार सौ पांच ही बनेगा नोट। और इसका जैसे करेंगे कितने आठ से भाग करेंगे तो कितना करेंगे आठ से, आठ पांच आठ पांच आठ पांच चालीस और जीरो और आठ सातों ये भाग करके करेंगे तो कितना बन जाएगा इसका आठ पॉइंट कुछ बनेगा, जैसे चार सौ पाँच बनता होगा जोड़, आठ पाँच चालीस, पाँच जीरो आठ आठ सौ बत्तीस, सौ बत्तीस और आठ पंचालीस, आठ छिकतालीस, आठ छिकतालीस दो लगभग इसके बाद पचास पॉइंट सिक्स के पॉइंट के लगभग मिल जाएगा मात्र। अब हम ये बढ़े आप लोग संख्या, इसके बाद है निम्नलिखित स्थानी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा चार खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है, दर्शाती है जिसमें दे रखे हैं आप लोग देख, जिसमें खेल एक दो तीन चार, ए चौदह दो सोलह तीन दस चार दस, बी खेलता है जीरो आठ छः चार, सी खेलता है आठ ग्यारह खेला ही नहीं चौदह। क्या दिखाया गया है खिलाड़ी ये देखते हैं लिखा खिलाड़ी ए खिलाड़ी ए खेल ए खेला खेल दो खेल तीन खेल चार एक खेला चौदह अंक प्राप्त करें इसने दो में सोलह तीन में दस चार में दस
बी में जीरो, बी खिलाड़ी इसमें जीरो, आठ छः चार, सी खिलाड़ी है आठ ग्यारह खेलाएंगे, खेलाएंगे और तेरह तेरह अब न्यूटिक प्रश्नों के उत्तर देना है हमने, जैसे दे रखे हैं इसने। इसने कहा प्रत्येक ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। पहले हमने ए का माध्य निकाला, तो ए का माध्य है, ए का माध्य क्या हुआ, इसे 14 + 16 + 10 + 10 ठीक है, और चार के तो बटे में चार बटे चार के होगा, तो ये 16, 30, 40 और 50 बटे में चार, 25 बटे में तो 12.5। और इसके बाद है ए द्वारा प्रत्येक सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। सी है वो 3 खेल खिलाया, पर यहां 0, जिसे बी 0 खिलाया, 0 बढ़ाए हैं खेला है लेकिन 0 बढ़ाए, लेकिन सी है वो तीसरा खेल खिलाएंगे, इसलिए हम इसको 3 से भाग करेंगे माध्य निकालने के लिए, 4 से भाग नहीं करेंगे। अगर बी का पूछता है कि माध्य ज्ञात करने के लिए 3 से करेंगे या 4 से, तो बी का हमें 4 से भाग करेंगे, क्योंकि खेला है लेकिन उसने 0 अंक लिए हैं, तो इसलिए ये 0 है लेकिन इसने खेलाएंगे तो ये खेलाएंगे, तो इसका माध्य निकालने के लिए हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है, ये हमने बताना है। फिर इसके बाद था निम्नलिखित की एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए अंक ये दे रखे हैं, विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक और सबसे कम अंक, सबसे अधिक अंक कितने हैं इसमें देखो, सबसे अधिक कितने हैं, जैसे 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 91, 81 सबसे ज्यादा जो अंक हैं वो 95 हैं, तो 95 अंक सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अंक हैं 39, सबसे अधिक 95, अधिक और कम 39 है, 39 सबसे कम अंक है। तो प्राप्त अंकों का परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक में से सबसे कम घटा देंगे परिसर, छप्पन क्या होगा परिसर, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सारों का जोड़ बटे में सारों की आंकड़ों की संख्या कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इसको भाग कर देंगे, ये इसमें दे रखी है। इसी प्रकार से एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में जो वर्षा हुई है वो रिकॉर्ड की गई है, जो वर्षा है वो रिकॉर्ड की गई है, आंकड़ों का पीस ये दे रखे है, जैसे सोमवार दिन दे रखे है, सोमवार मंगलवार दिन है,
सोमवार मंगलवार फिर क्या बुधवार भी बुधवार इसके बाद है बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार और फिर रविवार। तो सोमवार बुधवार इसलिए ये वर्षा है 0.0 12.2 और उसके बाद है 2.1 0.0 20.5 और 5.5 और 1.0 ये वर्षा हुई है हेवन में मिलीमीटर। तो पहले बता रखा है इसने प्रेशर ज्ञात करें। प्रेशर क्या था रेंज सबसे अधिक वर्षा हुई है 20.5 और सबसे कम 0.0 तो इसमें से 0.0 हटाएंगे तो 20.5 तो यही प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है सबसे अधिक में से सबसे कम। फिर इनका मध्य वर्षा कैसे होगी मीड इनका निकालेंगे मीड तो कैसे रहेगा सारा जोड़ 12.2 2.1 20.5 5.5 1.0 जोड़ करेंगे 5 10 13 2 2 4 5 10 11 2 3 4 तो 41.3 को भाग कर देंगे कितने से 7 दिन की है। जैसे 0.0 से मतलब क्या है उस दिन वर्षा हुई नहीं तो लेकिन हम उसको काउंट करेंगे 7 से 7 5 35 तो 5.9 उनका मध्य है कितने दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम आई तो 5.9 से कितने दिन कम है तो 5.9 से कम देखो कितने दिन आई है 1 2 3 4 5 पांच दिन मध्य से वर्षा कम रही तो ये हमने बताना है। इसी तरह के सवाल है बहुलक मोड मोड जिनकी आवृत्ति ज्यादा बार जो ज्यादा बार आया हुआ है वो क्या होता है बहुलक मोड जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार होती है। तो जैसे ये दे रखे हैं जैसे गणित की जो परीक्षा 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। जैसे 19 ये जो दे रखा है बीस पंद्रह
बीस पंद्रह दस पांच दस पांच सोलह पच्चीस सोलह पच्चीस बीस चौबीस बीस चौबीस बारह बीस बारह बीस इनका बहुलक बहुलक जिसके आंकड़े ज्यादा हैं, जो आंकड़े बार बार आए ज्यादा बार आए वो बहुलक होता है। बहुलक अब देखो इसे देखते हैं, बीस है वो एक दो तीन चार बार है, बीस कितनी बार आया हुआ चार बार, वो देखो कौन आ रहा है बार बार, पच्चीस है वो दो बार ही आया हुआ है, चौबीस एक बार ही है, तो इसलिए सबसे बार ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार बीस आ रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक भी क्या हुआ, बहुलक क्या हुआ इसका बीस। और हमने इसका निकालना है बहुलक, तो इसलिए बहुलक और क्या निकालना, मादक, मादक क्या होगा वही आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। फिर हमने निकालना है माध्यक, माध्यक भी निकालना है साथ में हमने इनका माध्यक, माध्यक क्या निकालना, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। और अब हमने इसका ही माध्यक निकालना है, इसको आरोही या आरोही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी एक में लिखना है हमने, जो बीच वाला होगा वो इनका माध्यक होगा। माध्यक तो क्या होता है मी मी निकालते हैं सारा का योग जोड़ बटे में इनकी जो संख्या हमसे वहां कर लेते हैं मीन। और मोल, मोल ये निकालना जिसकी आवृत्ति से ज्यादा हो रहा है, मीडियन इनके बीच का लेंगे, एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में लिखेंगे, और बीच वाले को गिन लेंगे कितनी बार आ रहा है, बीच वाला गिन लेंगे वो इनका माध्यक हो जाता है। तो जैसे ये जो सवाल है ये इसमें तीनों करने हैं, जैसे छ पंद्रह छ पंद्रह छ पंद्रह रखे हैं, छ पंद्रह एक सौ बीस छ पंद्रह एक सौ बीस पचास सौ पचास सौ अस्सी दस अस्सी दस पंद्रह आठ पंद्रह आठ दस पंद्रह दस पंद्रह ठीक है। इनका हमने माध्य, बहुलक और माध्यक ये निकालना है, अर्थात हमने इनका माध्य निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है, तीनों निकालने हैं हमने। तो माध्य आंकड़ों का जोड़ करेंगे, माध्य छ प्लस में पंद्रह प्लस में एक सौ बीस प्लस में पचास प्लस में सौ प्लस में अस्सी प्लस में दस प्लस में पंद्रह प्लस में आठ प्लस में दस प्लस में पंद्रह बटे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बटे में ग्यारह।
मध्य है, बहुला, बहुले के लिए निकालेंगे किसकी आवृत्ति ज्यादा वाला है, जैसे इसमें हमने देखा 15, 1, 2, 3, 15 आया हुआ है 3 बार और 10 आया हुआ है 2 बार, 1, 2, तो ये आ गया 2 बार, तो इसलिए बहुलक कितना आ जाएगा 15। माध्यक, माध्यक निकालेंगे सारे आंकड़ों का, ऐसे नहीं हो रहे हैं ऐसे नहीं हो रहे हैं, चढ़ते क्रम में उतरते क्रम में कोई शिक्र में एक लिख लो, ऐसे सबसे छोटा कौन है 6, फिर 8, उसके बाद 10, 10 दो बार है, उसके बाद 10 के बाद है 15, 10 के बाद है 15, 3 बार, 1, 1, 1, ठीक है, और इसके बाद है 15, और 15 के बाद है 50, 50 के बाद है 80, और 80 के बाद है 100, और 100 के बाद है 120, 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, तो इसे हम निकालते हैं कितना आ जाएगा, मतलब 11 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही इधर के और 5 ही आगे के, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक, हम निकाल रहे थे माध्यक, तो माध्य कैसे निकालेंगे सारे का जोड़ करेंगे, तो सारे का जोड़ करेंगे कितना जगह जोड़ करेंगे, तो जोड़ करते हैं हम 15, 3, 45, 15 का जोड़ होगा 3 बार 45, और ये होगा 10, 20, अच्छा 14, 34, इनका जोड़, और ये जोड़ हो जाएगा 180, 180, और 120, 170, तो 5,000 2, 8, 7, 15, 15, 16, 17, 18, 18,000, 22, 2, 1, 2, 4, और 11 से भाग, तो ये हो गया था 15, 60, ये हो गया जोड़ 11, 11, 33, 11, 9, 99, तो मध्य कितना है ना 438 बटे में 11, कितना है ना 39, 39, तो ये ऐसा है। इसके बाद है तीन पॉइंट तीन
पांचवी तिथि छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं इसे दे रखे दंड आलेख। सबसे पहले जो दे रखे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आकृति में 3.3 में दंड आलेख के आलेख द्वारा प्रयोग किए हैं कौन सा पशु सबसे लोकप्रिय है। जैसे दे रखे हैं कुत्ता इससे पहले गया कुत्ता कुत्ता कहां तक है आठ तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तो इसमें हो गया आठ कुत्ते कहां तक जा रहे हैं आठ तक। उसके बाद बिल्ली बिल्ली है 10 तक खरगोश 2 खरगोश उसके बाद है हैमस्टर हैमस्टर है 4 से ऊपर उसके बाद है अन्य तो जो पहला पर्सन पुट अप करता है ये क्या आता है कौन सा पालतू पशु सबसे लोकप्रिय है कौन सा भी पॉपुलर सबसे पॉपुलर कौन सा है इसमें बिलियन बिलियन भी 10 तो बिलियन सबसे लोकप्रिय है। कितने विद्यार्थियों द्वारा पालतू पशु कुत्ता है डॉग है वो किसका है कितने का है कुत्ता 8 ठीक है। इसी तरह के इसके अंदर ये सवाल दे रखे हैं जैसे किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े पर विचार कीजिए जैसे देखना भाग लेना ये दे रखे हैं जैसे खेल खेल क्रिकेट क्रिकेट बास्केटबॉल बास्केटबॉल तैरना
हॉकी खेलकूद खेलकूद देखना नीचे भाग लेना खेल रहा है कितना है 1240 1240 है 620 470 320 510 510 और 320 430 250 250 105 105 तो पहले तो बताना है इसमें जैसे उपयुक्त स्केल से एक दोनों दंड आलेख खींचिए इस दंड आलेख से कैंसिल पहले तो इसको पहले हम चल क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है तो देखो क्रिकेट है वो 1240 है बास्केटबॉल है वो 470 है तैरना 510 है हॉकी 430 है खेल कूद 250 ये कौन प्रश्न करते देखने वाले और भाग लेने वाले हैं क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं 1240 भाग लेने वाले हैं वो 620 बास्केटबॉल 670 और भाग लेने वाले 320 तैरने वाले को 510 भाग लेने वाले 320 और हॉकी जो खेलने देखने वाले हैं 430 है और भाग लेने वाले 250 देखने वाले जो हमने जो खेल कूद है वो 250 है और भाग लेने वाले 105 है तो सबसे पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है क्रिकेट ठीक है सबसे पसंद करने वाला खेल है वो क्रिकेट है और खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना तो हम देखें उसको देखना ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि क्रिकेट को देखने वाले हैं वो 1240 और भाग लेने वाले 620 है बास्केटबॉल 470 है वो देखना पसंद करते हैं लेकिन भाग लेने वाले वो 320 है और तैरना जो पसंद करते हैं वो कितना करते हैं 510 और लेकिन उसमें जो भाग लेने वाले हैं वो कितने करते हैं इसको पसंद कर रहे हैं 310 और हॉकी को 430 और 250 तो इसी प्रकार से जो है वो भाग लेने वाले कम हैं और इसमें खेलने वाले भाग लेने वाले कम हैं लेकिन देखने वाले ज्यादा हैं इसके अंदर से इसी प्रकार से हमारी जो है अगली है एक्सरसाइज मिलान चीन वाली प्रियता जैसे इसमें पहला क्वेश्चन बनाता है बताइए निम्न में से किसका होना निश्चित और किसका होना है संभव है तो ये एक नंबर के हैं जैसे आज आप कल से अधिकारियों के हैं ठीक बात है एक सिक्के को उछाने पर चीता आएगा ये संभव है संभव हो सकता है पर लेकिन निश्चित नहीं है तो जैसे इसमें है 3.4 के अंदर
एक डिब्बे का दूसरा सवाल है, वो एक डिब्बे में छह कंचे हैं जिसपे एक से छह संख्याएं अंकित हैं। एक डिब्बे के अंदर कितनी संख्या है? छह संख्याएं, और कहां से कहां तक अंकित हैं? एक से छह तक के अंकित हैं। संख्या दो वाले कंचों को इसमें से निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो उसमें दो अंकों वाली संख्या कितनी है? एक। तो वो कितनी हो गई? एक संख्या है, कुल संख्या कितनी है इसमें? छह, एक बटा छह। इसके बाद पांच वाले कंचों में से निकालने की प्रक्रिया क्या है? पांच अंकों की एक संख्या है, तो पांच एक है, तो एक बटे पांच। ये है हमारा 3.4।